हेलो दोस्तों, धनश्री अकेडमी से मैं निमिष सर आपका स्वागत करता हूँ। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए तो प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं LIC के शेयर्स के बारे में। LIC का IPO अभी 4 दिन पहले आया था और 4 दिन से आप देख रहे हैं लगातार गिरावट जारी है। सो 4 दिन से लगातार गिरावट यहाँ से देखेंगे, ये कंटिन्यूसली डाउन जा रहा है गाइस। सब देखेंगे कि जहाँ से खुला वहाँ से कंटिन्यूसली, आज चौथा दिन है गाइस। ये पहला दिन था लिस्टिंग के दिन ही नीचे गिरा, और दूसरे दिन और नीचे, तीसरे दिन और देखिए नीचे। मतलब पहले दिन के क्लोज के नीचे तो नहीं गया, ये जो पहले दिन का क्लोज था उसके थोड़ा सा ऊपर क्लोज हुआ, लेकिन तीसरे दिन देखिए यहाँ से गैप अप से ही ओपन हुआ और तीसरे दिन क्लोज कहाँ पे आया देखिए, बहुत भयानक मंदी हो गई यहाँ पे, जहाँ पर पहले दिन से काफी नीचे तीसरे दिन क्लोज, यहाँ से काफी नीचे क्लोज हुआ गाइस। और आज हम चौथे दिन पे नंबर 4 डे पे है LIC का IPO लिस्ट होने के बाद, और आज भी नीचे ही कारोबार कर रहा है गाइस। सो जबरदस्त, काफी लोग कह रहे हैं कि सर इसमें फंस गए, बुरी तरह से पैसा फंस गया है, और मार्केट में कुछ व्हाट्सएप पे लोग जोक भी कर रहे हैं कि जैसे लाइफ के लिए हम इंश्योरेंस करते हैं LIC का, उसी तरह से अभी इंश्योरेंस LIC का शेयर के लिए भी इंश्योरेंस करना होगा कि कहीं नीचे नहीं चला जाए, ऐसे जोक हो रहे हैं, चुटकुले हो रहे हैं गाइस। तो बहुत लोग निवेशक अभी निराश हुए इस IPO से, जितना एक्सपेक्ट किया था उतना पैसा तो नहीं मिला, लेकिन कम से कम ये नीचे ही जा रहा। देखिए 4 दिन से लगातार ये नीचे जा रहा है और उसमें काफी मंदी हो गई है और कंटिन्यूसली मंदी हो रहा है। काफी लोगों के प्रश्न आ रहे थे कि सर अब इसमें क्या किया जाए, तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के लिए एक वीडियो बना देते हैं, और इसीलिए मैं ये लाइव वीडियो अभी बना रहा हूँ। तो अभी देखिए इस वक्त कारोबार कर रहा है 828 रुपये पे, अभी कारोबार कर रहा है गाइस। सो इस वक्त कारोबार कर रहा है 828 के आसपास, अभी इस वक्त यहाँ पे कारोबार कर रहा है। तो ऊपर के लेवल से हम देखेंगे तो काफी नुकसान हो रहा है, रोज टूटते जा रहा है गाइस और काफी नुकसान हो रहा है। तो ये जो लेवल था, ये जो हाई था उसका, जहाँ पे ये लिस्टिंग हुआ था, वहां से तो काफी नीचे आ गया गाइस। सो वहां से तो काफी नीचे आ गया ये लेवल। आप देखेंगे ये पहले दिन का जो लेवल था हाई का, वो ओपन हुआ था 902 और हाई 905 का बनाया था। ये देखिए ये पहले दिन का हाई गाइस। तो ये देखिए ये पहले दिन का, यहाँ पे मैं थोड़ा कैंडल को जूम करता हूँ आपको देखने के लिए। ये पहले दिन जब कैंडल है, थोड़ा मैं जूम करता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। तो पहले दिन का कैंडल देखिए गाइस, यहाँ पर ये देखिए क्या हाई बनाया था उस दिन आप देखिए, और उसके बाद में ये नीचे ही चला गया। ये देखिए जबरदस्त हाई 918 का देखिए, कैंडल का 918 ऐसा, यानी कि लगभग 919 रुपये का हाई है पहले दिन का, और वहां से अभी आप देखिए तो ये काफी नीचे आ गया। 828 रुपये पे इस वक्त कारोबार कर रहा है, तो काफी नीचे आ गया है। अभी देखिए इसके पहले भी जो भी इस तरह के IPO आए, जो बड़े IPO है, चाहे पेटीएम हो, चाहे नाइका हो, इस तरह के, सॉरी माफ कीजिए, जोमेटो हो, इस तरह के जो भी IPO आए, इसने नुकसान ही करा है इन्वेस्टर का। और ये भी बहुत बड़ा भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में बहुत बढ़िया 20,000 करोड़ का IPO, मतलब बहुत बड़ा IPO था। तो लग ही रहा था कि यहाँ पे थोड़ी इस तरह की मंदी होगी, और इतने तो उन्होंने कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं कराया गाइस। सो मैं पहले से ही नेगेटिव था, मैंने तो इसके लिए अप्लाई नहीं किया था, और मेरे आप वीडियो भी देख सकते हैं कि मैं इसके लिए नेगेटिव ही था। तो अब क्या किया जाए, तो अभी 800 रुपये के स्टॉप लॉस से होल्ड किया जा सकता है, लंबे अवधि में कुछ पैसा बनाएगा ऐसा लग रहा है। बट फिलहाल के लिए तो कोई भी डाटा भी नहीं है कि आगे का प्रेडिक्ट कर सके, इसलिए मुझे लगता है कि ये रिस्की बेट है 800 रुपये के स्टॉप लॉस से। एक बार इसे ऊपर में जब तक ये 920 रुपया नहीं आता तब तक नई तेजी नहीं होगी गाइस। यदि आप कोई भी ट्रेड लेना चाहते हैं तो डिस्क्लेमर दे दूं कि यहाँ पर मैं जो भी बातें कर रहा हूँ वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बातें कर रहा हूँ, कोई भी बाय सेल होल्ड की
सलाह यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह मशवरा जरूर करेगा इस, और उसके बाद में ही ट्रेड ले, तो ये जरूर ध्यान रखिए। तो अभी आज हम डिस्कस कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे LIC का जो IPO आया था, जो लिस्टिंग हुआ, लिस्टिंग के 4 दिन टूट ही रहा है, उसके ऊपर चर्चा की। यदि आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यदि आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो ओपन कीजिए डिस्क्रिप्शन से लिंक से, और हमारे से जुड़ जाइए। कोई भी आपके प्रश्न है तो हमारी टीम से बात कर सकते हो, हमसे बात कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कॉन्टेक्ट कीजिए। यदि आप शेयर बाजार सीखना चाहते हैं तो आइए धनश्री अकेडमी में, जहाँ पे आप ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स ले सकते हैं, सीख सकते हैं। तो आइए सीखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए और बाजार में आगे बढ़िए। सो काफी लोग कह रहे हैं कि LIC IPO फंस गया, अभी वक्त ही बताएगा कि LIC IPO में फंस गए या क्या हुआ। अभी सिर्फ 4 दिन हुआ है, कोई डाटा भी ज्यादा नहीं है। चलिए दोस्तों, नए वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।